हेलो जी, क्या हाल चाल है सबके। तो दोस्तों बात करते तो आज यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो बेस मॉडल आ चुका है। इसके अंदर हमारे दीपक भाई करने वाले हैं मॉडिफिकेशन। RNZ करोल बाग हमारा यहाँ पे भाई का आउटलेट है, RNZ मल्होत्रा करके। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया सर, सब बढ़िया। हाँ जी। तो भैया बात करते हैं इसके अंदर अभी आप क्या क्या काम करने वाले हैं, बस सटाक से बताएं। इसमें हम थोड़ा म्यूजिक पे काम करने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं JBL का हमारा बुफर हो गया, बुफर हो गया, पेटी हो गई। हाँ जी, ठीक है। इसमें एंड्रॉइड लगने वाला हमारा यहाँ पे ब्लॉकन का एंड्रॉइड है, मेरे ख्याल से 9 इंची का है ना भैया? 9 इंची है, बिल्कुल जी, 9 इंची का एंड्रॉइड हो गया हमारा। ये JBL का बुफर का बॉक्स हो गया और यहाँ पे ट्विटर्स हो गए हमारे, ब्लॉकन का बैक कैमरा हो गया और यहाँ पे हमारा ये भी एम कौन सी कंपनी का होने वाला है? मिशिगन का 4 चैनल का होने वाला है सर। मिशिगन का 4 चैनल एम्प होने वाला है और साथ में यहाँ पे हमारा कन्वर्टर भी होने वाला है। इसमें हमने फॉग लैंप इंस्टॉल किया है जो जेन्युइन जो आपके लग के आता महिंद्रा का, ठीक है, स्कॉर्पियो में टॉप मॉडल में। तो गाइस ने बाहर से भाई ने फॉग लैंप इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। साइड प्रोफाइल से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पीछे से बम्पर प्रोटेक्टर से लेके यहाँ पे हमने डोर वाइजर लगाए हैं, महिंद्रा जेन्युइन एसेसरी। और ऊपर से बात करें तो भाई ने यहाँ पे रूफ रेल भी लगा रखी है। तो दीपक भाई आपसे पूछना चाहूंगा अभी और इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम और इन सब एसेसरी के अलावा? एक फुट ट्रस्ट लगा हुआ महिंद्रा जेन्युइन एसेसरी का। ओके, सो गाइस ये हमारा फुट ट्रस्ट इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। आप आफ्टर मार्केट आके तो सर बात कर लेते हैं दीपक भाई, अभी यहाँ पे डोर्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डैम्पिंग ये देख सकते हैं आप, डैम्पिंग हुई है इस पे। ये डैम्पिंग कौन सी कंपनी की है भैया? ये केव कंपनी की है, डबल लेयर डैम्पिंग। देखें तो यहाँ पे व्यू दिखाया जा रहा है भैया। बाकी बात कर लेते हैं कस्टमर ने इसके अंदर स्पीकर की क्या चॉइस है, कुछ बताएं। ये कंपनी फिटेड रहने दिया है कस्टमर ने। okay. इसमें हमने एक हाई लो कन्वर्टर रख दिया है, हाई लो कन्वर्टर डाला है भाई ने, ठीक है। कंपनी फिटेड स्पीकर है, उस पर कोई इफेक्ट ना है। बाकी अभी इसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉइड पे काम चल रहा है, वायरिंग पे काम हो रहा है, बैक कैमरे की वायरिंग जा रही है बैक में। और बाकी यहाँ पे दीपक भाई लगे हैं हमारे एंड्रॉइड सेट करने के अंदर। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। तो भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड्रॉइड का, हो जाता है दिखाते हैं भैया। बात कर लेते हैं और क्या अंदर से आप काम कर रहे हैं, कुछ बताएं। अभी इसके अंदर एक फ्लोरिंग लगने वाली है। अच्छा, जो डाई वाली फ्लोरिंग है, डाई वाली फ्लोरिंग डालने वाले स्कॉर्पियो में। क्या बात, जो कंपनी फिटेड होती है आपकी, प्रॉपर फिटमेंट आती है, एज टू एज कॉर्नर टू कॉर्नर फिटिंग होती है। हाँ जी, मतलब बात करी जाए तो बेस से टॉप मॉडल के अंदर जो आपको फ्लोरिंग मिलती है कंपनी की ओर से, वही हम लोग इसके अंदर बेस मॉडल में लगाने वाले हैं। पूरी कोशिश है कि आज मैं आपसे सबका सब इसके अंदर गाड़ी में जो भी काम हुआ है आपको दिखाया जाए। देखते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग पे हमने स्टॉक इसका फ्रेम रखा हुआ है म्यूजिक सिस्टम का। बाकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लॉकन का 9 इंची का एंड्रॉयड लगा और साथ में इसका अलग से फ्रेम आता है। तो आपको फ्रेम हर एक कार का मिल जाता है। बाकी ये प्रॉपर ढंग से आपको दिखाया जा रहा है, कपलर टू कपलर इसकी वायरिंग हो रही है, वायर नहीं काटी जाती, कंपनी से आपकी वायर वारंटी में रहने वाली है। वैसे दीपक भाई इसमें वायरिंग कौन सी कंपनी की डल रही है, कुछ बताएं। स्कॉच कंपनी की भी है। सो आप देखते हैं तो यहाँ पे हमने स्टीयरिंग कंट्रोल इसके अंदर लगा रखे हैं, आपको एक अच्छे ढंग से व्यू दिखाया जा रहा है। जैसे हमने इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है, हाँ हाँ, हम एक एंड्रॉइड लगा रहे हैं तो इसको कनेक्ट करने के लिए कैनवस लगता है, कैनवस लगता है, सही बात है भाई। हाँ जी, तो हमने इसमें कैनवस भी वो डाला, इंस्टॉल किया है। बिल्कुल, तो भाई इसमें कैनवस लगा रहे हैं कि प्रॉपर ढंग से कस्टमर को दिक्कत ना हो, आराम से अपने गाने सुन सकता है, यहाँ से कम ज्यादा कर सकता है, कॉल पिक एंड कार्ड भी सकता है। अब देखते हैं तो यहाँ पे ब्लॉकन का हमने एंड्रॉइड सेट कर दिया है विद फ्रेम के साथ, प्रॉपर ढंग से इसकी फिटिंग हुई है। डोर्स पे हमारे कवर लगे हैं, डोर पे हमने डैम्पिंग कर दी है। एक बार आपको इसका आउटपुट सुनाते हैं क्योंकि आउटपुट कंपनी के स्पीकर पे क्या आता है, क्योंकि बूफर लगा है हमारा JBL का। A few moments later. गाइस स्कॉर्पियो काम हो गया कंप्लीट, स्कॉर्पियो चली गई है। बात करी जाए तो आज हमने गाड़ी के अंदर ज्यादा म्यूजिक सिस्टम पे काम किया है और बाहर से जितना काम किया है तो हमारे दीपक भाई ने आपको काफी अच्छे ढंग से समझाया है। रात के टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है भैया दिखाना व्यू, क्योंकि पब्लिक को समझाना। अब मान लो आपने डोर वाइजर लगाए हैं, डैम्पिंग की है, अदरवाइज सिस्टम में जितना ब्लॉकन का एंड्रॉइड लगाया है तो सबका सब मैंने आपको दिखाया है। स्टेयरिंग पे हमने स्टेयरिंग कंट्रोल लगाया है, स्टेयरिंग को हमने सीला है। बात कर लेते हैं अगर मैक्सिमम इस गाड़ी के अंदर कितना खर्चा आया होगा। तो भैया इस गाड़ी में पूरा जेन्युइन एसेसरी से लेके म्यूजिक सिस्टम लेके फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ लेके 60 से 70 हजार के आसपास का बिल था। ठीक है। हाँ जी, तो सर नियर बाय कुछ लोकेशन समझाना चाहोगे आप? ये हमारा पड़ता आर्य समाज रोड गफार मार्केट से पहले, हनुमान मंदिर से आप जैसे उतरेंगे गफार मार्केट की तरफ तो एक लैंडमार्क पड़ता है कोटक महिंद्रा का, उसी के पास एक पेड़ है, आपको दिख जाएगा ऑन रोड पीपल का पेड़ है।
दोस्तों ये बताना आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है भैया व्लॉग बनाना, लोगों का काम है व्लॉग देखना, आपका काम है कार मॉडिफिकेशन करना, तो वही होता है कि लोग आते हैं आपके पास, और बहुत लोग होते हैं कि रिस्पॉन्स मतलब हमारी वीडियो के जैसे अगर आता है ना, तो मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों व्लॉग का एंड का टाइम आ चुका है, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं देसी छोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल, तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो का, तब तक साइन ऑफ, अपना वही बूम, राम राम। Into the